हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसका आप नंबर नोट कर लीजिए, उसका नंबर 210 210 है। उसमें मैंने ये आपको बटन्स बनाने सिखाए थे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेज दूंगी, और उसके साथ साथ मैंने और तरह के बटन्स भी बनाए थे, लेकिन आज मैं आपको ये बटन्स अपनी कुर्ती के ऊपर कैसे लगाते हैं, कैसे एम्बेलिश करते हैं वो सिखाऊंगी। एक वीडियो मैंने और बनाया था, वीडियो नंबर 434, उसमें मैंने आपको एक कुर्ती के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी करनी सिखाई थी, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इस कुर्ती को मैंने टेलर से स्टिच करवा लिया है, और आप देख सकते हैं राउंड नेक है, और इसके साथ ये यहां पे इसकी पट्टी भी बनवाई है जिसमें हुक्स लगे हुए हैं। अब इस पट्टी के ऊपर हम इन बटन्स को लगाएंगे, यूं यहां पे और एक नीचे, और इसको हम इस पे कैसे लगाएंगे ये आज सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बटन्स हैं इनकी बैक में हम हुक्स लगाएंगे। ये देखें, ये हुक्स हैं, ये हुक्स हम इन बटन्स के बैक में अटैच करेंगे। इसको हम सिंपल रील के थ्रेड से अटैच करेंगे। ये देखें, मैंने ये 6 नंबर नीडल में 2 स्ट्रैंड्स डाल लिए हैं, और इनको यहां से 4 करके यूं गांठ लगा ली है। अब सबसे पहले हम इस हुक को इस बटन के ऊपर अटैच करेंगे। इसको हम एक साइड में अटैच करेंगे ऊपर, ऐसे, ये देखें ऐसे, और सिंपली जैसे हमने पहले भी मैंने हुक अटैच करना सिखाया हुआ आपको एक वीडियो में, आप उसी तरीके से यहां पे हुक अटैच कर सकते हैं। पहले आप एक लूप के अंदर यूं स्टिचेस लेंगे और इसको अटैच करेंगे अच्छे से। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स पूछती हैं कि आपने बटन्स तो बनाए, आप इसको हम अपनी कुर्ती पे कैसे अटैच करें, तो मैंने सोचा आज मैं आपको बताऊं कि मैं इसको कैसे अटैच करती हूं। तो ये देखिए, मैं इसको पहले अच्छे से यहां पे अटैच कर लूंगी। अब इसी तरीके से हम इस लूप में से भी निडल को पास करते हुए अटैच कर लेंगे। इस तरह से हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बटन्स कुर्ती पे अटैच करने के बहुत से फायदे हैं। एक तो हम जब इस ड्रेस को वॉश करेंगे तो हम इन बटन्स को निकाल लेते हैं। अब यूं इसके टॉप वाली साइड पे भी इसको ऐसे अटैच करेंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। देखिए, हम इसको गांठ लगा के यहां से काट लेंगे। अब इसे हम बिल्कुल पास से यहां से ट्रिम कर लेंगे। तो ये देखें, हमारा बटन बनके रेडी है। और अब हम ऐसे ही जो बाकी बचे हुए बटन्स हैं उनमें भी हुक्स लगा लेंगे। फिर उनको इस पट्टी के ऊपर कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। हमने तीनों बटन्स के पीछे यूं हुक्स लगा लिए हैं। अब हम इनको इस कुर्ती की पट्टी के ऊपर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको इक्वल डिस्टेंस पे यूं प्लेस करके देखेंगे कि ये कहां अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम इसको, यहां पे हमारी हुक है, ये देखें, ये ऊपर से यूं ऐसे हैंग होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, सबसे पहले ये दो लगाएंगे। उसके बाद हम
उन दोनों के सेंटर में ये थर्ड वाला बटन लगाएंगे। यूं सिमिट्री बहुत अच्छे से बनती है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी हुक जो है वो उसका जो पॉइंट है वो यहां पे आ रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वहां पे हम ये मार्किंग चौक के साथ निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम जो टॉप पे हमारा बटन लगेगा वो हम यहां पे ऐसे लगाएंगे इस तरीके से। तो यहां पे भी हम इसको पहले सेंटर में रखते हुए मार्किंग चौक से निशान लगाएंगे ऐसे ऐसे। उसके लिए हम यहां पे अब आई बनाएंगे। आई किस तरीके से बनाते हैं आपको पता है, ये देखें हमने निशान लगा लिया है। अब यहां पे हम यूं आई बनाएंगे। ये भी मैं 4 स्ट्रैंड्स ले रही हूं थ्रेड के, ताकि हमारी जो आई है वो टूटे ना ऐसे। पहले हम 2-3 बार इस स्टिच को लेंगे। आई हुक से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी बनाएंगे तो वो खुलने का डर रहता है। यू 5-6 टाइम स्ट्रेट स्टिचेस लेने के बाद हम इसके ऊपर बटन होल स्टिच करेंगे ऐसे। इन सारे स्टिचेस को उठाते हुए ऐसे बटन होल स्टिच करेंगे और थ्रेड को आगे रखेंगे ऐसे। मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में आई बनानी भी सिखाई थी। ये देखिए आई बन गई है। अब हम इस नीडल को बैक की तरफ ले जाकर यूं यहां पे टकिंग कर देंगे। अब हमने ये जो आई बनाई है इसके ऊपर ये हुक के साथ यहां पे इसको पुश कर देंगे और बटन को अच्छे से प्रेस कर देंगे, तो ये यहां पे बटन अपनी जगह पे लग जाएगा। इसी तरीके से हम नीचे वाला और इन दोनों के सेंटर में ये वाला बटन भी लगाएंगे। यूं ऊपर और नीचे की आई बनाने के बाद हम इन दोनों आईज को आपस में यूं पकड़ते हैं और ये जो हमारी पट्टी है इसका सेंटर ले लेते हैं ऐसे। यूं देखिए सेंटर लेने के बाद हमने निशान लगाया और यहां पे भी हमने सेम इसी तरीके से आई बनाई। ये जो फ्रिंज है इसको हमने नीचे की तरफ करना है ताकि हुक डालने में आसानी हो। अब इसको भी हम पीछे ले जाके यूं एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लें। इस लूप में से अपने नीडल को पास करेंगे और सीजर की मदद से यूं कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखें तीनों जो आई है वो हमने बना ली। तीनों आईज बनाने के बाद हम इनमें यूं बटन अटैच कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे और इसमें ऐसे। और इसका एक और फायदा है कि जब आपने इस सूट को वॉश करना है या इस कुर्ती को जब आपने वॉश करना है तो आप बटन्स उतार लें ताकि आपकी बटन्स खराब ना हो और उसके बाद वॉशिंग कर लें, और जब आपने कहीं जाना है तो आप फिर से इनपे यूं बटन्स अटैच कर लें। तो ये देखें ये कितनी वाइब्रेंट और कितना सुंदर कुर्ती और उसके उतने ही सुंदर बटन्स। तो आप देख सकते हैं इन बीडेड बटन्स ने मेरी कुर्ती को 4 चांद लगा दिए हैं। ये देखिए
आप भी यूं ही आप अपनी किसी एक कुर्ती को सिलेक्ट करें, उस पर एम्ब्रॉयडरी करें और यूं ही उसके ऊपर सुंदर से बीडेड बटन लगा के उसको एम्बेलिश करें। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस सुंदर से आइडिया को जरूर ट्राई करेंगे। तो आप मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज देती रहूं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।